हे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी लूप में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में। आज हम गांधी जी के बारे में 30 रोचक तथ्यों को जानेंगे, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, धन के लिए कभी भी लालच नहीं करते थे। बस इसी कारण वकालत के पेशे में सिर्फ वही मुकदमे लेते थे जो सच्चे होते थे, बुरे और बेईमान लोगों का मुकदमा कभी भी नहीं लेते थे। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। गांधी जी की हत्या कुख्यात नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कर दी थी। गांधी जी के जन्म दिवस पर संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर। या ऐसे भी प्रश्न किया जाता है कि 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उसका एक आंसर ये भी होगा विश्व अहिंसा दिवस। रवींद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी थी और रवींद्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने ही सबसे पहले गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो इसका सही आंसर होगा रवींद्रनाथ टैगोर ने। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रवींद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी, तो उसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया था। तो इसमें से प्रश्न किया जाता है कि गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस सन में दिया गया था, तो उसका सही आंसर होगा 1930 में। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी हवाई जहाज से यात्रा नहीं की। बहुत से लोगों का मानना है कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने कभी इस तरह बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ मात्र अफवाह है, के बारे में कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी शव यात्रा में करीब 10 लाख लोग शामिल हुए। 15 लाख लोग शव यात्रा के रास्ते में खड़े हुए थे। उनकी शव यात्रा भारत के इतिहास में सबसे बड़ी शव यात्रा थी। लोग खम्भों, पेड़ और घर की छतों पर चढ़कर सिर्फ बापू को एक नज़र देखना चाहते थे। एप्पल कंपनी के CEO स्टीव जॉब्स महात्मा गांधी की तरह गोल शीशे वाला चश्मा पहनते थे। उनका मानना था कि इस तरह वो गांधी जी को श्रद्धांजलि देते थे। गांधी जी को दूसरों से मसाज कराना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। आज़ादी के बाद कुछ अंग्रेज पत्रकार गांधी जी के पास आए और उनका इंटरव्यू अंग्रेज़ी में लेने लगे। इस पर गांधी जी ने कहा कि अब मेरा देश आज़ाद हो गया है, अब मैं हिंदी में ही बात करूंगा। कई बार ये पूछा जाता है कि गांधी जी को कभी नोबल अवार्ड क्यों नहीं मिला, तो मैं आपको बता दूं कि गांधी जी को 5 बार नोबल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए नोबल कमेटी ने ये पुरस्कार उस साल किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया। गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि वे बचपन में बहुत ही शर्मीले थे और अक्सर स्कूल से भाग जाया करते थे। दूसरों से बात करने में उन्हें काफ़ी झिझक होती थी। 1931 में जब गांधी जी ने पहली बार रेडियो पर अपना भाषण दिया था, तो उनके सबसे पहले शब्द ये थे कि क्या मुझे इस माइक्रोफोन के अंदर बोलना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका में गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी ट्रेन से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि वे अश्वेत व्यक्ति थे। क्योंकि दोस्तों, उस समय रंग भेद काफ़ी ज़्यादा चलता था और इसके शिकार हमारे गांधी जी को भी होना पड़ा था। ट्रेन से यात्रा करते समय एक बार गांधी जी का एक जूता नीचे गिर गया, तो उन्होंने अपना दूसरा जूता भी फेंक दिया। जब बगल में यात्री ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक जूता अब मेरे किसी काम का नहीं, तो कम से कम मिलने वाले को तो दोनों जूते मिल जाएंगे और वो उसे आराम से पहन सकेगा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो उसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी है। गांधी जी की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, इसके लिए वे हमेशा
चिंतित रहते थे। एक बात आपको बता दूं, ऐसा माना जाता है कि जिन व्यक्तियों की राइटिंग नहीं अच्छी होती उनका दिमाग काफ़ी तेज़ होता है। तो अगर आप भी उन व्यक्तियों में से हैं जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है आपका दिमाग काफ़ी तेज़ हो। मरते समय गांधी जी के आखिरी शब्द थे हे राम। गांधी जी समय के बहुत पक्के आदमी थे, उन्हें हर जगह समय से जाना पसंद था और वे दूसरों को भी समय का पालन करने की हिदायत देते थे। गांधी जी ने 4 महाद्वीपों में और 12 देशों में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन किया था। गांधी जी प्रतिदिन 18 किलोमीटर पैदल चलते थे और उनके जीवन काल में वे दुनिया के 2 चक्कर लगाने के बराबर पैदल चल चुके थे। जिस दिन भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था उस दिन गांधी जी वहाँ मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि उस दिन उनका उपवास था। आज़ादी प्राप्त होने के बाद गांधी जी कांग्रेस पार्टी को समाप्त करना चाहते थे। गांधी जी के नाम पर भारत में 53 मुख्य सड़कें हैं और विदेश में 48 मुख्य सड़कें हैं। तो याद रखिएगा, भारत में 53 सड़कें हैं गांधी जी के नाम पर और विदेश में 48। गांधी जी ने डरबन, प्रिटोरिया और जॉनबर्ग के फुटबॉल क्लब की स्थापना करने में सहयोग किया था। गांधी जी का व्यवहार टॉलस्टॉय, आइंस्टाइन, हिटलर जैसी महान हस्तियों से मेल खाता था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे ब्रिटिश राज में काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। दोस्तों याद रखिएगा, गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी और उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। पिताजी का नाम तो अक्सर लोगों को याद रहता है लेकिन माँ के नाम में कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। गांधी जी का विवाह मई 1883 को मात्र 14 साल की आयु में कस्तूरबा से कर दिया गया था। उस समय कस्तूरबा गांधी की आयु मात्र 13 वर्ष थी। तो गाइस बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इससे भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।